हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और स्वागत है आपका एक और नई रेसिपी वीडियो में। फ्रेंड्स, आलू तो स्वाद का खजाना है, मतलब इतनी लजीज डिशेस बनती हैं आलू की, एक से एक डिशेस होती हैं। और आज जो मैं डिश आपके लिए लेकर आई हूं वो है 2-in-1 डिश। तो आलू के उसके लिए हमने आलू लिया है, 5 आलू हैं, बड़े छोटे साइज़ के हैं, और इनको हमने अच्छे से धुल के वॉश करके छील लिया है और इनको ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। आलू को अच्छे से ग्रेट करने के बाद, और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, आलू को ग्रेट करते समय हमको मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है जिससे कि इसके लच्छे अलग अलग रहें। अब मेन मशक्कत करनी है इसको वॉश करने की, तो इसको वॉश करने के लिए हम 3 से 4 पानी में इसको अच्छे से वॉश करेंगे। आलू को हम जितना ही अच्छे से वॉश करेंगे पानी के साथ, उसका स्टार्च निकालेंगे, उतनी ही खस्ता करारी और क्रिस्पी डिश बनेगी हमारी आज की। अब यहाँ पे तीसरे पानी से भी हमें इसे अच्छे से वॉश करके इसके लच्छों को निचोड़ के, पानी से निचोड़ने के बाद अलग बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में फिर से धुलने के बाद फिर से निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी बहुत सारा स्टार्च है, तो इसको एक बार हम और पानी से साफ़ करेंगे, यानी कि अच्छे साफ पानी से इसको एक बार और ऐसे खलबला के ऐसे वॉश करेंगे और फिर इसको अच्छे से निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से दबा दबा के निचोड़ के बाहर निकालना है जिससे कि पानी बिल्कुल ना रहे, और अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि उसे कैसे निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक कॉटन के कपड़े को नीचे बिछा दिया है, ऊपर से फ़ैन भी ऑन कर दिया है, और इन आलू के लच्छों को ठीक से हम बिखरा लेंगे सुखाने के लिए। तो एक सूखे कपड़े से हम ऊपर से इसको रब करेंगे, ऐसा करने से ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं आलू। ये देखिए कितना खिला खिला सा आलू का लच्छा है, एकदम अलग अलग है, इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब इन लच्छों में हम आरारूट डालेंगे। तो ये आरारूट हम 5 आलू लिए थे बड़े छोटे, तो छोटे चम्मच से हम 5 चम्मच नाप करके आरारूट मिला लेते हैं। साथ ही हम इसमें कुछ फ्लेवर डालेंगे, तो एक छोटा चम्मच काली मिर्च है कूट के लिए है हमने, और एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा है, और साथ ही स्वाद अनुसार नमक है, नमक को हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन सब को बिना पानी मिलाए ऐसे ही हाथों से हमको मसलते हुए, थोड़ा सा मिलाते हुए एक साथ ले लेना है। आरारूट अगर आपको कम लगे तो आप मिला लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इतना मिलाना है कि ये बाइंड हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब इन टिक्कियों को शेप देने के लिए हमने एक चमचा लिया है, आप किसी भी बड़े छोटे साइज़ का चमचा ले सकते हैं। इसमें एक फिलिंग हम डाल देंगे और इसको गर्म तेल में, मतलब ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, इसमें डालते रहेंगे। इससे क्या होगा, इसका शेप बहुत बढ़िया आता है टिक्कियों का, देखने में तो सुंदर लगती है, साथ ही इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, बॉयल आलू की टिक्की तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन ऐसे ग्रेट किए हुए आलू के, मतलब आलू लच्छा टिक्की आप खाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। मज़े की बात यह है कि बहुत ही जल्दी बिना आलू उबाले ये इंस्टेंट तैयार होती हैं टिक्कियाँ, और इनको हम चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में बहुत बढ़िया लगते हैं, और या फिर हम इसको एक और तरीके से खा सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी। देखिए बनके हैं तैयार हमारी टिक्कियाँ, कितनी प्यारी लग रही हैं, और जितनी प्यारी लग रही हैं उतना ही इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। इनको आप सॉस के साथ या चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है, उसको अगर ऐसे करेंगे तो वाओ कितनी सुंदर आवाज़ है। अभी हम इसको तोड़ के भी दिखाएंगे, देखा आपने कितनी बढ़िया और स्वाद में तो कहने क्या। तो मिनटों में बनाइए टिक्की, ये 2-in-1 डिश है, इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। मीठी सॉस डालेंगे, इसके बाद में खट्टी सॉस डालेंगे, फिर हम थोड़ा सा कट किया हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और टिक्की है तैयार। बाहर बारिश का मौसम है, टिक्की वाले सब बंद है, आप घर पे बनाइए, खाइए और अपने अपनों को खिलाइए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय लेती हूँ इस टिक्की का, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
я тікаю Касандра, і криво я Патера, затмивала разом, обивала музиканта. Це мені мені лія, рядом були вірила, не корія, не сіла. Я тікаю Касандра, і криво я Патера.